हेलो एवरीवन, दिस इज तनुजा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिप्टोफेन ओपेरोन। इससे पहले हम लैक ओपेरोन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ ट्रिप्टोफेन ओपेरोन। ये वाला ओपेरोन जनरली हमेशा ऑन रहता है, इससे जो भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज होना है वो हमेशा सिंथेसाइज होता रहता है। बट जब उस प्रोडक्ट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती या उस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अब उसके बाद वो एक्सीड कर रहा है, जब हम उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कि अब इस ओपेरोन को हमें ऑफ करना पड़ेगा। पहला है हमारा रेगुलेटरी जीन, ठीक है। ओके, सो देखिए यहाँ पे रेगुलेटरी जीन कहाँ प्रेजेंट है। दिस इज़ द रेगुलेटरी जीन, इट इज़ प्रोड्यूसिंग, ठीक है। पहले तो क्या हो रहा है, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, mRNA बन रहा है। mRNA से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ इसको बोलते हैं को रिप्रेसर, इट इज़ कॉल्ड एज को रिप्रेसर, ठीक है। को रिप्रेसर का मतलब क्या है, सॉरी इट इज़ कॉल्ड एपो रिप्रेसर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एपो रिप्रेसर, जब भी हम एपो कहीं लगा देते हैं यानी कि वो फुली फॉर्म में एक्टिव नहीं होता, अभी राइट नाउ इट इज़ इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। क्योंकि क्या है, इसके पास वो हेड रीजन इज़ एबसेंट, क्योंकि अल्टीमेटली कहाँ जाके बाइंड होता है, ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड होता है। इसका फंक्शन ही ये होता है, ऑपरेटर की साइड पे बाइंड होना। सो राइट नाउ इट इज़ मिसिंग इट्स हेड पोजीशन विच इज़ एबल टू गेट बाइंड विद द ऑपरेटर, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट बाइंडिंग, ठीक है, फाइन। इसके साथ ही एक दूसरा रिप्रेसर आता है विच इज़ कॉल्ड द को रिप्रेसर, ठीक है। स्मॉल पार्ट जो है ये यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा और इसको पूरा एक्टिव बनाएगा, तभी जाकर ये यहाँ पर बाइंड होगा, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा जीन, जिसे किसको क्या बोलते हैं हम, प्रमोटर, ठीक है। ओके, इससे पहले एक और चीज़, जो ये को रिप्रेसर प्रोड्यूस होता है, जनरली ये को रिप्रेसर, ये जब पूरा ओपेरोन ऑन रहता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है अल्टीमेटली, इस पूरे का अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बनता है, ट्रिप्टोफेन, ठीक है, तभी हम इसको बोलते हैं ट्रिप्टोफेन ओपेरोन। तो ये ट्रिप्टोफेन ही क्या है, को रिप्रेसर, ये ट्रिप्टोफेन ही क्या है, को रिप्रेसर, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये ट्रिप्टोफेन जो प्रोडक्ट बनता है इसका बहुत ज़्यादा नीड होती है बॉडी में, तो ये हैंड टू हैंड यूटिलाइज होता जाता है, हैंड टू हैंड इसका मेटाबॉलिज्म होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंदर एक्यूमुलेट नहीं होगा, सेल के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होता, हैंड टू हैंड यूज होता जाता है। बट अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है या फिर इसका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या फिर ये आउटर सोर्स से हमें मिलना शुरू हो जाता है, तब क्या होता है, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इन दैट कंडीशन इट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। और जब ये एक्यूमुलेशन होने लगता है तो अब ये यहाँ पर आता है और एपो रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाता है और अल्टीमेटली ऑपरेटर पर बाइंड होता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारी साइट प्रमोटर, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। प्रमोटर की साइट पे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है, ओके। सो दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज गेट बाइंड, फाइन। नेक्स्ट साइट है ऑपरेटर, यहाँ पे क्या है, ये एपो रिप्रेसर व्हेन गेट बाइंड विद को रिप्रेसर, इस को रिप्रेसर से बाइंड होने के बाद ये क्या बना लेता है, रिप्रेसर, ठीक है, जो अल्टीमेटली क्या है, एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव रिप्रेसर है। तो ये एक्टिव रिप्रेसर इस ऑपरेटर पे आके बाइंड हो जाता है, ठीक है। बट अभी क्या है, जनरली जब यहाँ पे ट्रिप्टोफेन ओपेरोन बन ही नहीं रहा है और अगर बन भी रहा है तो हैंड टू हैंड यूज हो रहा है, देयर इज नो मोर कंसंट्रेशन ऑफ दिस को रिप्रेसर ट्रिप्टोफेन, तो यहाँ पे आके बाइंड ही नहीं होगा, तो एपो रिप्रेसर भी अल्टीमेटली ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो रहा है। इन अ नॉर्मल सिचुएशन इट इज़ नॉट बाइंडिंग, ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट केपेबल टू बाइंड विद द ऑपरेटर। तो जनरली फिर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज उसके लिए रास्ता एकदम साफ है, ओके, रास्ता एकदम साफ है, वो आगे बढ़ता जाएगा और जो इतने भी स्ट्रक्चरल जीन है उन सब से क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा और अल्टीमेटली उनसे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इन सब से क्या बनेगा, एमआरएनए, और जो कैसा बनता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, क्या बनता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, जो फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू क्या बनाते हैं, वेरियस प्रोडक्ट, पहला बनाते हैं एंजाइम ई, ठीक है, फिर एंजाइम डी, एंजाइम सी, एंजाइम बी एंड एंजाइम ए, ठीक है। तो इसलिए हमारी फोर्थ यूनिट क्या हो गई, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है,
स्ट्रक्चरल जीन जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिप्टोफैन ई डी सी बी एंड ए, जो अल्टीमेटली 5 तरह के एंजाइम बनाते हैं, ठीक है, फाइन, ओके। अब इसके अलावा एक और यहाँ पे साइट होती है, दैट इज लीडर एटीन्यूएटर, इसको हम बोलते हैं एल ए लीडर एटीन्यूएटर, ठीक है। क्या रोल होता है लीडर एटीन्यूएटर का? एटीन्यूएटर मतलब क्या करना, किसी की भी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देना, कंप्लीटली उसको ब्लॉक नहीं करना, सिर्फ उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करना। जैसे कि वैक्सीनेशन में भी हम क्या करते हैं, जो पैथोजन होता है वो एटीन्यूएटेड होता है, मतलब वीक होता है, कंप्लीटली किल्ड नहीं होता। तो ऐसे ही यहाँ पे ये लीडर सीक्वेंस का रोल क्या है, जब यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है और ट्रिप्टोफैन बन रहा है, अगर ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो ये लीडर सीक्वेंस क्या करता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश करता, उसको ब्लॉक नहीं कर देता, यही रोल होता है लीडर सीक्वेंस का, लीडर एटीन्यूएटेड का, ठीक है, ओके। सारे एंजाइम अल्टीमेटली क्या करते हैं, कॉरिस्मिक एसिड, एक एसिड होता है, उससे क्या करते हैं, ट्रिप्टोफैन बनाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका क्या रोल है, ट्रिप्टोफैन बनाना, जैसे कि लैक ऑपेरॉन में अल्टीमेट रोल क्या था, ग्लूकोज सिंथेसाइज करना ताकि उससे हमें एनर्जी मिल सके, ऐसे ट्रिप्टोफैन से भी मेटाबॉलिज्म में जाकर अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और अगर अब ये क्या हुआ, ऑन कंडीशन में ट्रिप्टोफैन बन रहा है, बट जब इसका ओवर कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाता है, तो ये ट्रिप्टोफैन यहाँ पर आता है, ओके, इट गेट बाइंड विद दिस एपोरिप्रेसर, सेपोरिप्रेसर से बाइंड हो जाता है, यहाँ पे जो रिप्रेसर बनता है, अब रिप्रेसर का रोल ही क्या है, ऑपरेटर पे आके बाइंड हो जाना। जैसे ही ये ऑपरेटर पे आके बाइंड होता है, ये पूरे रास्ते को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, एज अ ऑब्स्टिकल वहाँ बीच में बैठ जाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव ऑन नहीं हो पाएगा। जैसे ही मूव ऑन नहीं हो पाएगा, इन पूरे स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, ओके, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अल्टीमेटली ट्रिप्टोफैन नहीं बनेगा, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन, ओवर कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी था उसमें। अब ट्रिप्टोफैन जब बनना नहीं है, पर कुछ टाइम बाद जब ट्रिप्टोफैन पूरा यूटिलाइज होएगा, अगेन उसकी डिमांड होगी कि अब हमें वापस चाहिए, तो ट्रिप्टोफैन जब यहां पे बचा ही नहीं, तो यहां पे भी ट्रिप्टोफैन इसे बाइंड होने के लिए भी नहीं बचा। जैसे ट्रिप्टोफैन यहां पे भी एब्सेंट हुआ, ये को रिप्रेसर जो है, एपो रिप्रेसर है, नाउ इट नो लॉन्गर बाइंड विद दिस ऑपरेटर जीन, और अब क्या हुआ, वापस आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता साफ हो गया, और अगेन ये सिंथेसाइज करना शुरू होता है। इस तरह से पूरा ट्रिप्टोफैन का प्रोडक्शन रेगुलेट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन मॉडल, अंडरस्टूड? सो आई होप दिस ऑपेरॉन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव स्टिल डाउट एनी डाउट, प्लीज पुट योर क्वेरी इन कॉमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली क्लियर, ओके। एंड इफ यू रियली अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, एंड येस वन मोर थिंग, दोज हैव सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा वॉट आई एम अपलोडिंग, कमिंग नोटिफिकेशन आपको तभी पता चलेंगे, एंड दोज हैव नॉट अनसब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।